हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन नंबर 2.7, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पीको फेराड, 3 पीको फेराड एंड 4 पीको फेराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2, 3 और 4 है और ये पैरेलल में करेक्ट है। ओके, ए पार्ट में जो सोल्व करना है वो है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। बी में कैलकुलेट करना है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। जो पोटेंशियल की सप्लाई है वो कितनी है, 100 वोल्ट है और तीनों कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा हुआ, सॉरी पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो पैरेलल में जब जुड़ता है तो क्या करते हैं आपको पता ही है, Cp इक्वल टू C1 C2 C3 2 पीको फेराड प्लस 3 पीको फेराड प्लस 4 पीको फेराड और ये हो गई कितनी, 9 पीको फेराड। 9 पीको फेराड मतलब हो गया 9×10^-12 फेराड सी पैरेलल। यही हो गई आंसर। बी पार्ट में कह रहा है कि आपको प्रत्येक में चार्ज निकालनी है, प्रत्येक में चार्ज निकालना। तो कई तरीका है इसको निकालने का। एक तो ये तरीका हो गया कि सभी का जो कनेक्शन होगा वो किस में होगा, सबकी जो कनेक्शन है वो पैरेलल में है तो सबके लिए पोटेंशियल क्या है, सेम है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप विल बी कॉन्स्टेंट, ड्रॉप विल बी कॉन्स्टेंट। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी। तो Q1 = C1 × V, तो Q1 = है 2×100, तो ये हो गए 200 पीको कूलम हो गया। Q2 = C2 × V, तो C2 3 है इंटू 100, 300 पीको कूलम हो गया। तो Q3 = C3 × V, तो ये हो गया आपको 4×100 और ये हो गया 400 पीको कूलम हो गया। अब ये सभी जो चार्ज है 200, 300 और 400, तो ये हो गया 900 पीको कूलम। जो नेट सप्लाई होगा ना, नेट सप्लाई वो कितना होना चाहिए, 900 होना चाहिए। तो ये पर आंसर है, ये जितने भी चार्ज निकला हुआ है ये सब आंसर है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चेक करना चाहेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं, तो क्यू जो होगा, क्यू वो क्या होगा, Cp × V होगा। तो ये क्या था, 9 था, 9×100, तो ये कितना आ गया, 900 पीको कूलम, ये होगा क्यू। तो सभी को आप ऐड करेंगे तो आएगा कितना, 900 पीको कूलम आएगा। ये समझ में आया, क्लियर? तो ये सही है, दिस प्लस दिस प्लस दिस किसके बराबर होना चाहिए, 900। तो 900 के पास हो रहा है ये, तो ये सही है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.8। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया 6×10^-3 m² एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm। फुल स्टॉप, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। पहली बात की जो डी दिया हुआ है वो 3 mm है, वो दो प्लेट के बीच की दूरी है, तो -3 m हो गया D = एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है कैपिटल ए, वो कितनी है, 6×10^-3
-3 मीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। पोटेंशियल की जो सप्लाई है वी इज इक्वल टू वो है 100 वोल्ट। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कैपेसिटेंस। ये हो गई आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी बीच की डिस्टेंस डी है और इसकी प्रत्येक जो सरफेस एरिया है वो कितनी ए है और यहाँ से एक मेटल वायर से कनेक्ट कर एक 100 वोल्ट का एक सेल लगा दिया जा रहा है या बैटरी मान जो भी अपना। तो ये क्या करेगा, क्यू सप्लाई करेगा, इस पर क्यू इधर आएगा क्यू, तो इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज आएगी, तो इस प्लेट पर कितनी आ जाएगी माइनस क्यू चार्ज आएगी, यहाँ पर प्लस क्यू आएगा और इस तरह से चार्ज का फ्लो होगा। ओके, तो मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहले तो कैलकुलेट करना है सी। नाउ कैपेसिटेंस, नाउ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नाउ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। A का वैल्यू है 6 × 10⁻³ और इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.854 × 10⁻¹² और डिवाइडेड बाय D 3 × 10⁻³। तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये 2 हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 × इसको लगभग 9 लिख देते हैं, 8.85 को हम लिखते हैं 9, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या इंटू 9 × 10⁻¹². इसको लिखेंगे 18 × 10⁻¹². ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, C इज इक्वल टू नाउ चार्ज ऑन ईच प्लेट, नाउ चार्ज ऑन charge on each plate q equal to plus minus c v plus or minus c ka value hai 18 × 10⁻¹² aur v ki value hai 18 × 10⁻¹² aur v ki value hai 100। तो ये हो जाएगी 18 ± 10⁻¹० कूलम। पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होगी वो पॉजिटिव होगी और नेगेटिव चार्ज पे जो चार्ज होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर, और ये हो गया आंसर। एक तो कैपेसिटेंस वाला आंसर यहाँ है और चार्ज ऑन ईच प्लेट, पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे जो चार्ज होगी और नेगेटिव, इक्वल मैग्नीट्यूड होगी और पॉजिटिव नेचर होगी। गो डाउट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8, मतलब इसके जो पहले वाला क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा है, अ 3 mm थिक माइका सीट, तो मैंने टी बराबर माना है थिकनेस, 3 mm थिक माइका दिया हुआ है यहां पर, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इसका 6 दिया हुआ है, वे आर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया, फिक्स कर दिया। तो लिखा हुआ ए में कि वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेंस कनेक्टेड, तो जो वोल्टेज इसमें हम लोग सप्लाई क्या करते हैं, कनेक्ट रिमेंस कनेक्ट कर देते हैं, तो चार्ज पे क्या असर पड़ा, मैंने चार्ज पूछा है, पहला मैंने चार्ज पूछा था, यहाँ पर चार्ज पूछा होगा, तो ये हो गया आपका क्या, प्लेट एक हो गया और ए प्लेट कितना हो गया, इन दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी थी वो d थी और ये 3 mm की थी, पहली बात, मतलब कि d जो है वो कितना है 3 mm है, पहली बात। तो t का जो वैल्यूज है ना, t का जो वैल्यू है वो 3 mm है, तो इसमें पूरा सेट कर जाएगा, मतलब ये कम्प्लीटली क्या कर जाएगा, फिल हो जाएगा, इसे भर जाएगा ये, और इसकी डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितनी है, k है। अब ये कह रहा है कि इसको हम सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया, वही 100 वोल्ट की सप्लाई देना भी स्टार्ट किया। ओके,
माइनस बी, और यहां पर कितना हो गया प्लस, माइनस प्लस 100 वोल्ट का सप्लाई दिया गया, तो यहां पर जो चार्ज आएगा अब वो कैसा चार्ज होगा, क्या होगा चार्ज, तो हम क्या करते हैं कि अब जो चार्ज आएगा ना वो क्यू डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पर जो चार्ज आएगा वो क्यू डैश होगा, क्यू प्लस क्यू डैश, यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू डैश, यह आएगा, क्यों आएगा, व्हेन व्हेन नॉन कंडक्टिंग, व्हेन नॉन कंडक्टिंग माइका, व्हेन नॉन कंडक्टिंग माइका सीट, माइका सीट inserted between the plates then capacitance increase kar jayegi, got out, okay, यानी C जो होगी वो क्या हो जाएगी, सी डैश नाम ले देते हैं, C इंटू के हो जाएगी, और C कितनी थी, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बटे क्या हो गया D, इंटू क्या हो गया K, ये हो गया C डैश, तो Q डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, C डैश इंटू V हो जाएगी, क्योंकि चार्ज का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो नाउ Q डैश इज इक्वल टू C डैश, C डैश है A एप्सिलॉन जीरो डिवाइडेड बटे D इंटू K इंटू V, क्लियर, तो इसका जो वैल्यू हम लोग लिखे थे सभी का मैंने वैल्यू लिख दिया था यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर वैल्यू हमने लिखा था, तो क्या लिखा था, ए का वैल्यू अगर हम सब पुट करें तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ए का था 6 × 10⁻³, क्यू डैश इज इक्वल टू 6 × 10⁻³, और डी का वैल्यू था 3 × 10⁻³ इंटू ए का वैल्यू था ऑप्शन जीरो, ऑप्शन जीरो का वैल्यू 8.85, तो लगभग 9 रख देते हैं, 9, ओके, 9, अब के का वैल्यू कितना है 6, ओके, इंटू भी का वैल्यू कितना है 100, इतना चार्ज आएगा, इसको सोल्व किया जाए तो ये हो गया 2, है ना, तो ये हो गया 18, है ना, या 12, यानी 12 इंटू 9 इंटू, यहाँ पर छूट रहा है ना, देखो भाई 10⁻½, यहाँ पर 9 × 10⁻½ हो जाएगा, तो माइनस 3 से कट गया, यहाँ पर हो गया क्या -10 हो गया, ओके, तो 18 × 10⁻⁻¹० क्या हो गया कूलम हो गया, इतना चार्ज हो गया, तो चार्ज का इंक्रीमेंट हो गया, तो लिखते हैं नाउ चार्ज इंक्रीमेंट, चार्ज इंक्रीजेज, नाउ चार्ज क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज कैपेसिटेंस का इंक्रीज होने से चार्ज में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, गुड आउट, ओके, बी पार्ट में कह रहा है कि आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड, सप्लाई अब क्या कर देता है, डिसकनेक्ट कर देता है, तो जब सप्लाई को हम डिसकनेक्ट कर देंगे, नाउ ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके, इसमें आपको नॉन कंडक्टिंग मटेरियल रखा हुआ है, तो जैसे इसको सप्लाई को क्या कर दिया, डिसकनेक्ट कर दिया, यहां से हमने मान लीजिए कि इसको स्विच ऑफ कर दिया, मान लीजिए इसे स्विच ऑफ कर दिया, डिसकनेक्ट कर दिया हमने, ओके, तो चार्ज जो होगा वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, आफ्टर डिसकनेक्ट चार्ज ऑन कैपेसिटर रिमेंस कांस्टेंट,
कॉन्स्टेंट, और कितना हो जाएगा चार्ज, क्यू इज इक्वल टू सी ए एप्सिलॉन जीरो डिवाइडेड बाय डी इंटू वी, यानी 6 × 10⁻³ इंटू 9 × 10⁻¹² इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻³ कैंसिल 2, 18 × 10⁻¹० कूलम्ब। बट कैपेसिटेंस यानी Q इक्वल टू C, V इज इक्वल टू क्या होगी Q बटे C, तो दिस इज द V डैश, दिस इज द C डैश, और C डैश क्या हो जाएगी, C डैश क्या हो जाएगी, द V डैश Q और C डैश C इंटू K, तो V जो डैश हो जाएगी वो Q बटे C को क्या लिखेंगे, V बटे K, इसलिए V बटे K, तो V इक्वल टू आ गई आपको, V आपको दी हुई है कितनी 100 दी हुई, 100, तो जो पोटेंशियल होगी उसमें V डैश इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बटे 6, 100 डिवाइडेड बटे 6, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10 डिवाइडेड बटे 6, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6 थे, ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 3, तो इसको लिखेंगे आप और 3 एंड इंटू 5, तो 5 6 6 इतनी वोल्ट होगी। डिस्कनेक्ट करने के बाद इसमें जो पोटेंशियल होगी कितनी होगी 16.65 वोल्ट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2.10, अ 12 पिकोफेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मेनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। 12 पिकोफेराड का कैपेसिटेंस, ये हो गया कैपेसिटेंस, और इसकी वैल्यू जो है 12 पिकोफेराड है, और 50 वोल्ट की एक बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं, 50 वोल्ट की बैटरी, ये माइनस माइनस, और ये हो गया क्या प्लस प्लस, इस तरह से प्लस प्लस, ओके, यहाँ पर क्या हो गया प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर क्या हो गया माइनस क्यू चार्ज, और ये क्या हो गया डी हो गया डी, ये हो गया क्यू, ये हो गया क्या क्यू, और यहाँ पर क्या हो गया क्यू हो गया, ऐसे क्या हो गया क्यू, इस तरह से चलता है, ओके। तो आपको कैलकुलेट करना है, इसे सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 12 पीको फैराड, तो एनर्जी स्टोर, नाउ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर U इज इक्वल टू 1/2 C इंटू वी का स्क्वायर, तो U इज इक्वल टू 1/2 C, C का वैल्यू है 12 पीको फैराड 10⁻², इंटू वी का स्क्वायर, वी का मतलब हो गया 50 × 50, ओके, तो ये हो गई कितना 6 हो गई, तो 6 × 10⁻², इंटू 5 × 5 × 10⁻², 10⁻², तो 6 × 3 30, इंटू 5 × 10⁻¹० 15 × 10⁻¹⁹ 15 nanojoule, this is the answer, this is the energy stored in capacitor. Question number 2.101, a 600 picofarad capacitor is charged by 200 volt supply, full stop, it is the disconnected from the supply and is connected to the another uncharged 600 picofarad capacitor, how much energy electrostatics energy is lost in the process।
करें, कितना एनर्जी जो है ना इस प्रोसेस में लॉस होगी। सबसे पहली बात कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है ऐसे, ठीक है, इसकी पोटेंशियल कितनी है, V1 है, ओके, और इसको चार्ज किया गया किसी बैटरी से तो इसकी पोटेंशियल आ जाएगी V1, और कैपेसिटर कितनी है C1, तो इसकी इनिशियल जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 1/2 C1 और V1 का स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर, नो डाउट है ना। यहाँ पर कोई एक बैटरी है, उसको मान लीजिए इस बैटरी है, उससे हम लोग कनेक्ट करके इसको चार्ज कर रहे थे, तो इतना पोटेंशियल इसकी हो गई, इतना पोटेंशियल इसका हो गया। क्लियर है C1, तो 1/2 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 600 इंटू 10 टू पावर कितना 12, अभी 200 इंटू 200, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2, 4, 6, तो 6 × 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल, कितना हो गई एनर्जी। ओके, अब कह रहा है कि इस बैटरी से, ये बैटरी है, इस बैटरी से इसको कनेक्ट करके चार्ज कर रहे थे, अब इसका कनेक्शन जो हो गया डिस्चार्ज करते कनेक्ट कर दिया, तो इसकी पोटेंशियल कितनी हो गई, V1 हो गई। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसकी पोटेंशियल तो V1 हो गई, कैपेसिटेंस C1 हो गई। क्लियर है, तो अब आपको क्या करना है कि इसको, ये अनचार्ज था यानी इसमें पोटेंशियल क्या है, V2 जीरो है, ऐसी कैपेसिटेंस कितनी है, C2 है, तो अब इसको आपको क्या करना है, चार्ज करना है। यही सवाल है, समझ में आ रहा है, अब इसको चार्ज करते हैं, तो चार्ज करेंगे तो क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल आएगी, अब इसकी आ जाएगी आफ्टर चार्जिंग कॉमन पोटेंशियल इस पे आ गया चार्ज Q1, इस पे आ गया मान लीजिए Q2, तब कॉमन पोटेंशियल क्या मिला, VC = Q1 + Q2 / C1 + C2। तो यहां पर क्या लिखते थे, ये हो गया आपको C2, यहां पर लिखेंगे C1 V1 + C2 V2 / C1 + C2, ऐसे निकालते थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। तो जो V कॉमन होगा वो आएगा क्या, C1 का वैल्यू है 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और V1 है कितना 200 है, और प्लस इस पे जो V2 है कितना है, 0 डिवाइडेड बटे C1, यानी 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 प्लस 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, अगर इसको सोल्व किया जाए तो आएगा, ये तो एनर्जी हमको निकाल दी है, इसको अगर सोल्व करें तो मिलेगा ऐसा, V कॉमन इक्वल टू आएगा 2 टाइम्स यानी 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 200 डिवाइडेड बटे 2 इंटू 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ओके, ये और ये कट गया, ओके, फिर यहाँ पर ये आ गया 100 आ गया, V कॉमन इक्वल टू 100 वोल्ट। तो U फाइनल वो 1/2 होगा C1 C2 और V कॉमन का स्क्वायर, यही होता था। तो U फाइनल इज इक्वल टू 1/2 C1 2 टाइम्स 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 100 का स्क्वायर इसको सोल्व किया जाए तो ये तो इनिशियल आ गई थी, इनिशियल कितनी वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू है 10^-6 10^-6 इतनी जूल आई थी इनिशियल एनर्जी, इसको मिटाते हैं। अब क्या करना है कि सिर्फ घटा देना है, कैलकुलेट करके घटाना है, तो आप घटाएंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, यू फाइनल
यू फाइनल इक्वल टू, ये कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 600, मतलब कि 6×10⁻⁶ जूल आएगा। तो नाउ लॉस ऑफ एनर्जी, नाउ लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल थी। तो यू इनिशियल क्या है, यू इनिशियल है 12×10⁻⁶ या 6×10⁻⁶ डिवाइडेड इक्वल टू 6×10⁻⁶ जूल, यही आंसर है। और इसको ऐसे सोल्व करें, डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 और C1+C2 V1-V2 इसका क्या होगा स्क्वायर, इसको पुट कर दीजिए यहीं पर आंसर हो जाएगा। C1 कितना है, C1 है 600 और 10⁻¹2। C2 कितनी है, 600×10⁻¹12। और V1 कितनी है, V1 है भी मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए 0, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ यहाँ पे, डेल्टा यू इज इक्वल टू C1 600×10⁻¹12 × 600×10⁻¹12 V का वैल्यू कितनी है 200, V का वैल्यू है 200 और माइनस 0 इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बटे 2 और 600×10⁻¹12 इंटू कितना 2। तो ये और ये कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब फिर देखिए क्या बच गया, अब इसको यहाँ पे अगर लिखते हैं आप तो क्या मिलेगा, डेल्टा यू इक्वल टू अगर मिलता है तो ऊपर तो मिल रहा है 600×10⁻¹12, क्लियर, और इसको आप स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर तो क्या होगा 400×10⁴ मिलेगा ऊपर में, और नीचे में क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 2×2 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, 2 यहाँ पे है अब 4 यहाँ पे है 6 हो गया, सॉरी ये नहीं रहेगा ना भाई, ये नहीं रहेगा है ना, तो ये हो गया 4×10⁴ 4 और ये हो गया, तो ये आपको ना मिलेगा 6×10⁻¹⁶ जूल, यही हुआ लेस ऑफ एनर्जी, यहाँ भी वही आया था और यहाँ भी वही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अ पॉइंट व चार्ज, क्वेश्चन नंबर 12, अ चार्ज ऑफ 8 mC इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, कैलकुलेट द वर्क डन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज ऑफ −2×10⁻¹⁹ फ्रॉम द पॉइंट पी 0.03 cm टू पॉइंट क्यू 0.4 cm वाया द पॉइंट 0.6 cm 9 cm। पहली बात, जो ओरिजिन पर जो चार्ज है ओरिजिन पर उसका नाम क्यू नॉट रखते हैं, और कितना है 8 mC चार्ज है, 8×10⁻³ है, और जो क्यू चार्ज है वो निगेटिव है जिसको आप घुमा रहे हैं वो है 2×10⁻⁹ का चार्ज है, और कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं, एक पी जो पॉइंट है 0.03 cm से लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं इसको, क्यू 0.4 cm, 0.0 लेके जा रहे हैं, अब किसके द्वारा भाया पॉइंट जो है आर 0.6 cm, 9 cm, तो पूछ रहा है कि आपको वर्क डन निकालना है जब P से Q लेके जा रहे हैं, तब यही सवाल है, वर्क डन कैलकुलेट करना है जब P से Q लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात के डायग्राम बनाते हैं, देखो डायग्राम, तो डायग्राम में भाई कैसे बनाना है, देखिए ये और ये, तो इसको हम क्या माने, P से मान लेके जा रहे थे, इसको Z मान लेते हैं, इसको Z
जेड मान लेते हैं, यहाँ पर आपको पी पॉइंट दिया हुआ है, तो ये वाला कितना दूर हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया ना पॉइंट के हिसाब से, 0, 0, 3 सेंटीमीटर जेड है। और लेके कहाँ जाया, क्या है 0x, तो इसको मान लेते हैं वाई, तो यहाँ पर लेके गया है यहाँ पर, तो ये हो गया आपका, यहाँ से हो गया 4 सेंटीमीटर, गुड आउट। और कहाँ गया है, कहीं इधर गया है, देखो इधर, इधर कहाँ गया, देखो y भी है और z भी है, तो ये y है ये z है, तो इधर कोऑर्डिनेट होगा, तो ये आपका हो गया r, r हो गया, और क्या है 0, 6 सेंटीमीटर कॉमा 9 सेंटीमीटर, इस तरह से घूमते हुए और यहाँ आ गया, क्लियर। तो हमको क्या चाहिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, समझ में आ रहा बच्चों, क्या चाहिए पोटेंशियल, एक पी हो गया ये क्यू हो गया, तो पहले वी पी निकालते, और यहाँ पर एक चार्ज है, कौन चार्ज, यहाँ पर क्यू डॉट, और यहाँ पर चार्ज कौन है क्यू, यही चार्ज कहाँ चली गई, यहाँ चली गई, ओके। तो सबसे पहला काम जो हम कर रहे हैं वो निकालते हैं क्या, वी पी निकाल रहे हैं, वी पी, तो वी पी बराबर क्या निकालेंगे, के क्यू स्मॉल क्यू, के क्यू डिवाइडेड बटे, के क्यू डिवाइडेड बटे क्या लिखे बच्चों, डिवाइडेड बटे 3 × 10⁻², कोई प्रॉब्लम नहीं, वी क्यू इज इक्वल टू लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बटे 4 × 10⁻², क्लियर। तो डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या लिखेंगे, वी क्यू माइनस वी पी, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों के क्यू 1/3 − 1/4, कोई डाउट नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर क्या होगा 4, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हो गया बच्चों 4, यहाँ पर हो गई 3, और नीचे में आ गए 10⁻², कोई डाउट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, काफ़ी सिंपल है भाई, क्लियर। तो अब क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये वाला पॉइंट हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत हमको नहीं है, हो गई खत्म। तो हमको क्या निकालना है, वर्क डन, तो डब्ल्यू पी से कहाँ जाना है भाई, क्यू, तो क्या लिखेंगे, कौन सा चार्ज को लेकर जा रहे हैं, कौन सा चार्ज, इस चार्ज के रेफरेंस में निकाल रहे हैं, इस चार्ज के, तो क्या लिखिएगा क्यू नॉट इंटू क्या डेल्टा वी, तो हो गया क्यू नॉट, और डेल्टा वी का वैल्यू है के क्यू, के क्यू डिवाइडेड बटे 10⁻², और यहाँ पर लिखिएगा क्या 3 − 4/3 × कितना 4, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या के क्यू क्यू नॉट 10⁻², कितना 2, और यहाँ पर क्या हो गया −1/12, अब इसको पुट करेंगे वैल्यूज को, तो 9 × 10⁻ क्या आएगा बच्चों 9, क्यू, क्यू का वैल्यू है −2 × 10⁻⁹, क्यू नॉट 8 × 10⁻³, और डिवाइडेड बटे 10⁻²×12, तो ये हो गई आपको कितना 6 हो गई, ये कितना हो गई 4, तो ये हो गई आपको 3, और ये हो गई आपको 3, को डाउट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा वैल्यूज कैलकुलेट करने पर, पहली बात ये माइनस है, और एक पहले से क्या है यहाँ पर, पहले से एक माइनस है, क्लियर है, ये वाली माइनस और ये वाली माइनस हो गई प्लस, तो ये हो गई 3, यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पर 4 हो गई, 3 × 4 डब्ल्यू पी से क्यू इज इक्वल टू 3 × 4 और यहाँ पर हो गई −9, यहाँ पर हो गई +9, तो ये कैंसिल हो गए, यहाँ पर −2 है, यहाँ पर −3 है, तो ऊपर बच जाएगा कितना 10⁻², तो ये हो गया आपका 12 × 10⁻², तो ये हो गया 1.2 जूल, और ये हो गया क्या आंसर, इसे तो 1.2 जूल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 12, ओके। तो आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ, और थ्योरी आगे इसको बढ़ाएंगे इस चैप्टर का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।